राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। भारत के इतिहास की सबसे अंधेरी घड़ी आ चुकी है। सरकार राज नहीं, अहंकार राज है। ये इस तानाशाही को रोकना होगा। मुझे इस देश की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। फाइनली दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इमरजेंसी मूवी से क्या रहा बड़ा अपडेट, क्योंकि इस मूवी के मेकर्स ने एक अनाउंसमेंट वीडियो आउट किए जिसके साथ ही इस मूवी के मेकर्स ने इसकी एक नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। वो तो हम जानेंगे और साथ ही जानेंगे इस मूवी से जुड़ी कई और ढेर सारी जानकारी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना और ऐसी मूवीज के ढेर सारे अपडेटेड वीडियो हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी एक अपकमिंग हिंदी फिल्म होने वाली है जिसको अपना शानदार डायरेक्शन दिया कंगना रनौत ने, और वहीं इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया कंगना रनौत और रेणु पिट्टी के द्वारा। जहां इमरजेंसी एक अपकमिंग बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है, वहीं इस मूवी की मेन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगी कंगना रनौत, जो कि मूवी में रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का, अनुपम खेर जो कि इस मूवी में रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जयप्रकाश नारायण का, श्रेयस तालपड़े जो कि इस मूवी में रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अटल बिहारी वाजपेयी का, और इनके साथ ही आपको इस मूवी में कई और ढेर सारे टैलेंटेड एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें इस मूवी की नई रिलीज डेट की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी के मेकर्स ने एक अनाउंसमेंट वीडियो आउट करके कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी को रिलीज कर दिया जाएगा 24 नवंबर को, जिसे आप देख पाएंगे सिनेमा घरों में इसी साल यानी कि 2023 के 24 नवंबर को। तो दोस्तों, कौन कौन इस मूवी को लेकर एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसी मूवीज के ढेर सारे अपडेटेड वीडियो हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।